पंचायत चुनाव से ठीक पूर्व उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सोसराय थाना क्षेत्र इलाके के मंसूरनगर में टीम का गठन कर छापेमारी की गई। इस दौरान मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इस बारे में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि उन्हें लगातार फोन पर सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में अवैध तरीके से मिनी शराब फैक्ट्री चलाकर शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंसूर नगर के पहाड़ पर छापेमारी कर 250 लीटर कच्चा स्प्रिट झारखंड निर्मित भारी मात्रा में 305 देसी पाउच बरामद किया है। इसके साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त सामानों का भी बरामदगी की गई है। इस धंधे में लिप्त दो शराब के धंधेबाजों को भी उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव से ठीक पूर्व मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन होना उत्पाद विभाग के लिए एक बड़ी सफलता है। इस कार्रवाई से वाकई शराब माफियाओं की कमर टूट जाएगी। स्तर पर है और उसके ठीक पहले मिनी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, इसे कितनी सफलता मानते हैं आप? ये जो तहसील अधिकारी महोदय के निर्देश और अधीक्षक मंडी से श्री उमा शंकर प्रसाद के कुशल नेतृत्व में आज गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और ये छापेमारी जो होता है वह पहाड़ पर जो मंसूरगंज मंसूर नगर वहाँ मोहल्ला है उसी में यह छापेमारी की गई। वहाँ से दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ करीब जो होता है 250 लीटर कच्चा स्प्रिट है जो उसके गुणवत्ता की जांच की जाएगी। उसके साथ जो होता है वह रैपर है जो झारखंड उत्पाद का रैपर है। उसके साथ जो होता है वह 350 से ऊपर निर्मित 400 ml और 200 ml का शराब है जिसका हम क्वान्टिटी पता कर रहे हैं, गिन रहे हैं। उपकरण बरामद हुआ है जी? उपकरण नहीं, हाँ चुलाई यंत्र जो इसमें ये जो होता है जो अवैध देसी शराब बनाया जाता है उसमें जो होता है वो मशीन पाउच काटने का मशीन है, रैपर है, ये सारा चीज़ जो होता है बरामद हुआ है। मिनी शराब फैक्ट्री, हाँ बिल्कुल, इसको जो होता है वो मिनी शराब फैक्ट्री जो नकली शराब बनाने का है वो कारखाना इसको कह सकते हैं।